हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक पे। दोस्तों कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में हम बताएंगे मोटो जी फोर के फोल्डर को कैसे उतारते हैं। फोल्डर को उतारेंगे दोस्तों, इसे कैसे उतारेंगे, इस पर SMD से हीट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ किसी तरह से, इसे थोड़ा थोड़ा गर्म कर लेंगे। इसे खोलने के लिए यदि आपके पास ओपनर है तो ठीक है, वरना आप कोई ख़राब LCD ले लेंगे, जैसे कि ये मेरे पास पड़ी हुई है, ख़राब LCD है। और इसे जैसे ही हम खोलेंगे यहाँ से, तो इसे खोलने के बाद हमें यहाँ पर एक प्लास्टिक का कार्ड सा निकलेगा इसमें, तो आप इसको निकाल लेंगे खोल करके। देखिए दोस्तों, ये इसे निकाल लेंगे आप, और इसे निकाल करके इससे डिस्प्ले उतारेंगे, किसी लोहे को ओपनर से ना उतारें, इससे उतारेंगे इस तरह से। आप इससे डिस्प्ले उतारेंगे इस तरह से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसको हटा दें, शुरू में देखते ही पत्ते को हटा दें तब डिस्प्ले उतारें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इससे डिस्प्ले उतारेंगे धीरे धीरे से, इस तरह से। चारों तरफ से एक गम लगा हुआ होता है, इससे हटा देंगे, लोहे को ओपनर से ना हटाएं, डिस्प्ले टूट जाएगी। ठीक, इस तरह से हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रहें ओपनर से उतारते समय, यदि गम थोड़ा पिघल गई हो तो छुटा लें, यदि जहाँ पर ये जो चिपकी हुई होती है और थोड़ा हार्ड हो रही हो वहाँ पर दोबारा से हीट लगा लें हल्का हल्का, जिससे गर्म होकर पिघल जाएगा और आसानी से फोल्डर उतर जाएगा। जहाँ पर हार्ड हो रहा हो फोल्डर, वहाँ पर इससे भी ना खोलें, वरना फोल्डर टूट सकता है। तो पहले वहाँ पर थोड़ी सी फिर से हीट लगा लें और फिर इसको सावधानी से उतारें। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमने इसे हटा दिया है। और दोस्तों फिर हम यहाँ से पत्ता तभी निकाल सकते हैं डिस्प्ले का, पहले हमें इस बोर्ड को यहाँ से निकालना होगा। और बोर्ड निकालने से पहले हम इन पेज को खोल लेंगे, ये पेज बोर्ड में लगे हुए हैं, इसको खोल के अलग कर देंगे, इस वायर को यहाँ से हटा देंगे। ये दोनों हम हटा ही चुके हैं, तो अब इस बोर्ड को हमारा आसानी से यहाँ से उठा करके अलग कर देंगे, और बहुत ही आसानी से आपका आपका फोल्डर निकल जाएगा। धन्यवाद।